सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोमैक्स के न्यू स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में। माइक्रोमैक्स ने अपने दो न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं इंडियन मार्केट में। वो दोनों स्मार्टफोन हैं, एक माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N11, दूसरा माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N12। ये दो स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स ने आज इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन कंपनी की नई इन्फिनिटी N सीरीज़ का हिस्सा हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में दो रियर कैमरे दिए गए हैं और दोनों ही स्मार्टफोन में बैटरी 4000 mAh की दी गई है। इसकी अहम खासियत की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर और फेस अनलॉक सपोर्ट दिया गया है। अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N11 और N12 के प्राइस की। तो माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N11 स्मार्टफोन की प्राइस 8999 रखी गई है और N12 की प्राइस 9999 रखी गई है। दोनों स्मार्टफोन की सेल 25 दिसंबर से सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। इन्फिनिटी N12 स्मार्टफोन को ब्लू लगून वेलवेट रेड वियोला कलर में लॉन्च किया गया है। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया कि इन्फिनिटी N11 को किस कलर में सेल किया जाएगा। माइक्रोमैक्स ने रिलायंस जियो के साथ हाथ मिलाया है और डिवाइसेस खरीदने पर 2200 का कैशबैक और 198 और 299 वाले प्लान के साथ 50 GB डाटा मिल रहा है। माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N11 और N12 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डुअल सिम नैनो वाले माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N11 और इन्फिनिटी N12 दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉयड 8.1 ओरियो बेस्ड हैं। माइक्रोमैक्स ने कहा है कि अगले 45 डेज में एंड्रॉयड पाई अपडेट को भी रिलीज कर दिया जाएगा। दोनों ही हैंडसेट में 6.19 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 720x1500p दिया गया है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 2 GHz मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर दिया गया है। इन्फिनिटी N11 में 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है जबकि इन्फिनिटी N12 में 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और दोनों स्मार्टफोन को माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए एक्सपेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरे सेटअप की। तो माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N11 और N12 स्मार्टफोन में दो रियर कैमरे दिए गए हैं। प्राइमरी सेंसर 30 MP का और सेकेंडरी 5 MP का है। सेल्फी के लिए इन्फिनिटी N11 में 8 MP का फ्रंट कैमरा, वहीं इन्फिनिटी N12 में 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सपोर्ट दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में 4G वोल्टी का सपोर्ट, वाईफाई, माइक्रो USB, 3.5 mm हेडफोन जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए गए हैं। सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर्स भी इन दोनों फ़ोन्स में दिए गए हैं। तो ये दोनों फ़ोन्स माइक्रोमैक्स ने लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप आसानी से इन दोनों स्मार्टफोन को ख़रीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।